साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हां साथियों, फ्लाइट से रिलेटेड बात करेंगे। बहुत अच्छी न्यूज है आपके लिए। 16 जून से बता दूं आपको, 16 जून से 22 जून तक साथियों 12 फ्लाइटों का शेड्यूल है और अच्छी फ्लाइटें हैं। 12 फ्लाइटें हैं आपके लिए, बहुत काम आने वाली हैं। आगे पूरी डिटेल से बता दूंगा, 3 मिनट में स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। फेसबुक पेज वाले भाई फॉलो भी कर लें ताकि वीडियो आपको सही मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। फर्स्ट में मैं बात करूं, दमाम से फ्लाइट है साथियों। जी हाँ, सऊदी अरबिया दमाम से फ्लाइट है, दिल्ली और भुवनेश्वर के लिए जॉइंट, इसमें दोनों का साथ में कॉमन दे रखा है। 16 जून की फ्लाइट है एयर इंडिया। जी हाँ साथियों, एयर इंडिया की फ्लाइट रहेगी। इसमें मैं बता दूं, 12 फ्लाइटों में साथियों 10 फ्लाइट इंडिगो की हैं, एक फ्लाइट एयर इंडिया की है, एक फ्लाइट गो एयर की है, बाकी इंडिगो की फ्लाइटें हैं। नेक्स्ट फ्लाइट बात करें भाई, 16 जून के बाद में 19 जून को फ्लाइट है दमाम से, सऊदी दमाम से लखनऊ यूपी के लिए है 16 जून को। टाइम टेबल और यात्रियों की संख्या साथियों इसमें बिल्कुल नहीं दी गई है। आगे हम बात करें भाई, 21 जून को तिरची के लिए एक फ्लाइट है साथियों। जी हाँ, तिरची चेन्नई के लिए दमाम से ही है ये फ्लाइट भी, इंडिगो की है। नेक्स्ट फ्लाइट बात करें भाई, दमाम से फ्लाइट है सऊदी अरबिया से हैदराबाद और गया, बिहार और हैदराबाद दोनों का ऑप्शन इसमें दिया गया है। ये 21 जून की ये फ्लाइट रहेगी। नेक्स्ट फ्लाइट बात करें भाई, दमाम से अहमदाबाद के लिए जो फ्लाइट है 21 जून को इंडिगो की रहेगी। दमाम से फिर एक फ्लाइट है बेंगलुरु आपने समझ में आ गया होगा, बेंगलुरु की फ़्लाइट है 21 जून को इंडिगो की है। फिर आगे भाई, ये तो हैं 5-6 फ्लाइट दमाम की, अभी 5-6 फ्लाइट जद्दा से हैं। जद्दा से देख लीजिए, पुणे महाराष्ट्र की एक फ़्लाइट है साथियों 22 जून की। जी हाँ, जद्दा से फिर एक फ़्लाइट है साथियों लखनऊ यूपी के लिए। नेक्स्ट फ्लाइट बात करें जद्दा से साथियों कोयम्बटूर चेन्नई केरला के लिए। आगे साथियों रियाद से एक फ्लाइट है भाई, रियाद से 3 फ्लाइटें हैं। आगे बता दूं, रियाद से भुवनेश्वर के लिए फ्लाइट है 22 जून को। रियाद से फिर एक फ़्लाइट है दिल्ली और गया, दिल्ली और बिहार दो कॉमन एक साथ में दी गई है। रियाद से फिर एक फ़्लाइट है साथियों बेंगलुरु के लिए। जी हाँ, बता दूं साथियों, ये 6 फ्लाइटें दमाम की हैं, 3 जद्दा की है, 3 रियाद की हैं। 16 जून से 22 जून तक साथियों ये फ़्लाइटों का शेड्यूल रहेगा, मैंने आपको बता दिया। 12 फ्लाइटों का शेड्यूल है इंडिया के लिए, बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। बाकी ये जो न्यूज़ मैं बता रहा हूँ ये इंडियन एम्बेसी ने, रियाद एम्बेसी ने डाला है साथियों, वो स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये अस्थाई फ्लाइटें हैं, कहीं से उठा के नहीं डाली गई। रियाद एम्बेसी ने नोटिफिकेशन जारी किया था, बता दूं आपको 9 जून को। जी हाँ साथियों, 9 जून की ये न्यूज़ डाल रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। वीडियो शायद अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड आपको सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।